हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब नरेशन जो है उसमें पांच टाइप के सेंटेंस, मतलब टोटल पांच टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। मैंने आपको बताया था, पहला था असर्टिव, फिर था इंट्रोगेटिव, फिर था ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव एंड लास्ट था एक और वो वाला भी है। तो हम लोग अभी इंट्रोगेटिव देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चंस वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उनको कैसे किया जाता है। जैसे मान लो एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया, ही सेज टू मी आर यू रेडी क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड में जो स्टेटमेंट है वो एक क्वेश्चन है। तो एक्चुअली में क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, तो फिर यहाँ पर जो सेज है उसका कन्वर्जन होगा किसमें, आस्क में, मतलब पूछा। मतलब यहाँ पे अब ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जिसके अंदर हमको देखना पड़ेगा कि उसका मीनिंग क्या है एक्चुअली में, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही आस्क, उसने पूछा, ही आस्क मी इफ आई एम रेडी। इफ बहुत यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना रिलेशन में। अगर जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आते हैं तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि इफ यूज करना पड़ेगा आपको। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू मी कैन यू क्रॉस द गंगा, मतलब उसने मुझसे पूछा क्या मैं गंगा क्रॉस कर सकता हूँ। तो ही आस्ड, उसने मुझसे पूछा, ठीक है, यहाँ पे सेड है, यहाँ पे पूछा डाल दिया। ही आस्ड मी, इनडायरेक्ट में आप वहाँ पे सेंस लिखोगे कि क्या क्वेश्चन का सेंस था। ही आस्ड मी इफ आई कुड क्रॉस द गंगा, मैंने बताया कैन का हो जाता है कुड, ठीक है। फिर थर्ड, ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेज है, एक और देख लेते हैं। जैसे दे सेड, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। वर यू प्रेजेंट देयर, ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने बताया था आपको कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट खुद को मान लेते हैं। तो दे आस्ड मी, ठीक है, ये दे आस्ड सेड नहीं, दे आस्ड मी इफ आई हैड बीन प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो ऐसे टाइप से सेंटेंसेस पे आप क्या कर देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। एक होता है आपने पढ़ा होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या फिर प्रोहिबिशन दिया हो, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं, माई फादर सेट टू मी डू इट एट वंस, एक बारी में से कर देना। तो माई फादर, अब देखो यहाँ पे तीन चीज़ आ सकती है, डू इट एट वंस मतलब ये क्या है, ये एक ऑर्डर भी हो सकता है, ये पूछा भी हो सकता है इसे एक बारी में करो, या एक बताया भी हो सकता है। तो माई फादर ऑर्डर्ड या फिर आज लिख सकते हो, या फिर टोल्ड मी टू डू इट एट वंस, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से अच्छे समझते हैं, जैसे द डॉक्टर सेड कॉमा को क्वेश्चन मार्क, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो इसका कन्वर्जन कैसे होगा, द डॉक्टर, अब यहाँ पे सेड नहीं है एक्चुअली में, ये डॉक्टर क्या कहना चाह रहा है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो ये क्या हुआ एक्चुअली, डॉक्टर हमको कुछ एडवाइस कर रहा है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है, एडवाइज, ये सेंस पकड़ना पड़ेगा कि सेंटेंस में क्या सेंस में बोला जा रहा है। एक और देख लेते हैं इंपेरेटिव का, कि दे सेड टू मी कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा डोंट स्पीक लाउडली, ठीक है। तो दे यहाँ पे इन लोगों ने प्रोहिबिट किया है इसको किसी चीज़ से, ठीक है। तो दे फोरबेड, फोरबेड मतलब रोकना, दे फोरबेड मी टू स्पीक लाउडली, उन्होंने मुझे लाउड बोलने से मना किया है, ठीक है। एक और देख लेते हैं छोटा सा, दे दे सेड कीप साइलेंस, कीप साइलेंस, अब ये ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है, और ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो दे ऑर्डर्ड अस टू कीप साइलेंस या दे रिक्वेस्टेड अस टू कीप साइलेंट, ये दोनों आ सकते हैं यहाँ पे एक ही दिया है, ठीक है। ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आते हैं हम लास्ट टाइप के सेंटेंसेस पे और हमारा नरेशन आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस, कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप कैसे करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो जिसमें विश, ब्लेसिंग या कर्स दिया हो, कर्स यानी क्या बोलते हैं, श्राप, या फिर कोई प्रेयर या फिर दुआ, जो भी है हमारी जो एक विशेज है, ठीक है, वो उसके लिए कन्वर्जन करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो, ही सेड मे गॉड हेल्प यू, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ही विश्ड या प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, मे का जगह क्या आ गया, माइट, ये मैंने कन्वर्जन बताया था। अब मोहन सेट, अब मैं फुल कन्वर्जन मतलब पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्जन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो सारे इसमें रूल लगेंगे, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कहाँ कन्वर्जन एक्स्ट्रा है, ठीक है। मोहन सेट टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो मोहन ने ये क्या दी, मुझे दुआ दी एक तरह से, तो क्या होगा, मोहन ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। एक और एग्जाम्पल देख लेते, जैसे देखो, ही सेट टू हर कॉमा डब्ल्यू कॉमा मे यू फेल, तो ये इसने क्या किया, कर्ज दिया है, बद्दुआ दिया है, ठीक है। तो ही कर्ज्ड हर दैट शी माइट फेल। तो इस टाइप से एग्जाम्पल से हमें सॉल्व करने हैं। एक आखिरी एग्जाम्पल देख लेते हैं जो लास्ट वाला है, कि ही सेड कॉमा डब्ल्यू इनवर्टेड कॉमा लॉन्ग लिव योर फ्रेंडशिप मोहन, तो ये क्या है, एक तरह से ब्लेसिंग है उसके लिए। तो ही ब्लेस्ड मोहन दैट हिज फ्रेंडशिप माइट लिव लॉन्ग, मे की जगह माइट आ गया, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्जन होंगे, सिंपल कन्वर्जन हैं। आज हमारा पूरा नरेशन खत्म हो जाते हैं, नरेशन में बाकी सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप एक, हाँ रुकिए, एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ लास्ट, ये पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ एलिमिनेशन है, ये मैं बता चुका हूँ पहले। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें ओ आ एल एस यूज होते हैं ना, तो इन सेंटेंसेस में जो वो एक्स्ट्रा है तो उससे बस हमें रिव्यू कर देना, बाकी पूरा सेम रहेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ एक्सक्लेमेटरी में वो आपको थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक लिखा, ही सेड कॉमा डबल, हुर्रे वी हैव वन द मैच,
तो कैसा होगा, ही, अब इसने क्या किया यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए जिसमें सडन एक्सप्रेशन या सडन जॉय हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग सीधे 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 क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड यूज़ करेंगे एक वर्ड, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम मतलब सडनली कोई एक्सप्रेशन दिखाना। तो ही सेड हुर्रा, हुर्रा की जगह क्या जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हुर्रा क्या होता है एक जॉय, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। ठीक है, देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज हुआ है, जैसे द ओल्ड मैन, ठीक है, द ओल्ड मैन एलस, एलस यानी माय वाइस, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, सैड हो जाना, सैड एक्सप्रेशन, द ओल्ड मैन सेड एलस माय वाइफ इज नो मोर, मेरी वाइफ अब नहीं है। ठीक है, तो द ओल्ड मैन एक्सक्लेम विद सोरो, सोरो क्यों आया, क्योंकि एलस एक्सप्रेशन जो है वो सोरो के लिए यूज होती है, एक्सक्लेम विद सोरो दैट हिज वाइफ इज नो मोर। ठीक है, यहाँ पे एक और देख लेते हैं, मोहन सेड हाउ सिंपल शी इज, तो मोहन एक्सक्लेम विद सरप्राइज, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है तो सरप्राइज, विद सरप्राइज दैट शी वॉज वेरी सिंपल। तो ऐसे करके कुछ कन्वर्जन है, आपको जो कन्वर्जन नहीं बताते आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कन्वर्जन बता दूंगा। ठीक है,